सच्चाई क्या हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर संदेह होता है। तो मुंद्रा पोर्ट में पकड़ा गया चरस या ड्रग्स आपके लिए शून्य हो जाता। जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि उनको मालूम है ये खाली आरोप लगा रहे हैं। मल्ला लगत है कि ये छत्तीसगढ़िया आदमी मल्ला दबाए भर कुचले भर ये स्थिति केंद्र की सरकार करत। कार्रवाइयों का स्वागत होना चाहिए, जांच स्पष्ट होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ईडी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी चर्चा अब राजनीतिक गलियारों में खूब ज्यादा हो रही है। 508 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए आए ऐसा एलिगेंस लगाया और ये पैसे जो है रिकवर भी किए। छत्तीसगढ़ के विशेष कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आज हम बिलासपुर में हैं और बिलासपुर शहर के सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। साथ ही इस बात पर चर्चा करके हम ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो पत्रकार जगत है और जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं वो आखिरकार इस बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे पूछेंगे कि ईडी ने जो एलिगेंस लगाए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर, पहले पहल इसको किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि ये समय ही गलत है। ज़्यादातर लोगों को अब ये खबर, हालांकि पूरे देश स्तर तक के चलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों का ये मानना है कि इन चुनाव के वक्त जब मतदान की तिथि जो है मुश्किल से एक हफ्ता रह गया है और ऐसी स्थिति में जब ये आरोप लगाया जा रहा है, सच्चाई क्या हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर संदेह होता है। ये जो आरोप लगा इस पर संदेह होना लाजमी, जो नंबर आए हैं 508 करोड़ रुपए, क्या लगता है ये जस्टिफाई होगा? इतना बड़ा अमाउंट हो सकता है क्या? सवाल 508 करोड़ या किसी अन्य फिगर का नहीं है, सवाल ये है कि जब मनी ट्रेल की बात आती है, सट्टा ऐप आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और मुंद्रा पोर्ट में पकड़ा गया चरस या ड्रग्स आपके लिए शून्य हो जाता है। जी, तो ऐसे कई मामले हैं जिसको प्राथमिकताओं से नहीं देखा जाता, जैसा कि सीनियर रिपोर्टर बता रहे हैं। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री रह चुके रमन सिंह ने इस पर ट्वीट किया और सीधे एलिगेंस लगाया रमन सिंह पर, ये चुनावी समय पे इसका फ़ायदा ले सकता है, इस तरह के कमेंट्स या एलिगेंस फ़ायदे पहुंचाएंगे बीजेपी को? नहीं, ये क्या है कि चुनाव के समय इस टाइप के एक दूसरे का आरोप लगते हैं और जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि उनको मालूम है ये खाली आरोप लगा रहे हैं। अगर आप आरोप लगा रहे हो तो प्रमाण के साथ लगाओ ना, तब तो जनता उस चीज़ को मानेगी। तो ये तो चुनावी समझ के जनता भी इसको क्या है उतना गंभीरता से नहीं लेती है। ईडी और सीबीआई जो है पपेट है केंद्र सरकार का, ऐसा कहा जाता है, लेकिन फिजिकल जो भौतिक रूप से जो पैसे पकड़ाए वो किसी न किसी के तो होंगे, जरूर होंगे। पर ये उच्च स्तरीय जांच एजेंसी हैं भारतवर्ष की दोनों, और इस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाना शायद भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। और ये प्रश्न चिन्ह तो है इन जांच एजेंसियों पे, और ऐसे समय में जब चुनाव का दौर चल रहा हो तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आप जब इस विषय पे, गंभीर विषय पे लिखते पढ़ते हैं, क्या लग रहा है कि ईडी के इस जो एजेंडे हैं या इस तरह की कार्रवाई है, इस पे लिखते पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे आप? ये जो कार्रवाई हुई है जिसको लेकर के पूरी तरीके से पब्लिक, क्योंकि एक छत्तीसगढ़िया सीएम बना है, लोगों लगत है कि ये छत्तीसगढ़िया आदमी मल्ला दबाए भर कुचले भर ये स्थिति केंद्र के सरकार करत, मतलब भरोसा अगर मतलब जगाना रही से तो पहली करना रही से, कोई अपराधी अगर है तो ओकर पर पहली ले कार्रवाई होते, ओकर काकरो घर में कार्यक्रम है, शादी है, बर्व तत्का बेर कार्रवाई करके उन्हें अंदर नहीं करे जाए। अगर व्यवस्था बनाना है, कोई वो कानून व्यवस्था बनाना है तो ओकर पहली कार्रवाई करना चाहिए। तो ये जिन व्यवस्था जिन कार्रवाई हुए एमा बहुत मजबूत नहीं है कार्रवाई, हो सकता है कि ईडी और सीडी जिन संस्था है बड़े बड़े संवैधानिक संस्था एमा सवाल नहीं उठान, लेकिन जिन कार्रवाई के समय पहला एक सवाल बोलूँ, समय ला लेके सवाल उठाए गए हैं। आप क्या लगता है कि जब आप इस बारे में लिखेंगे पढ़ेंगे बताएंगे लोगों को या इस तरह की रिपोर्टिंग करेंगे, किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज में है इस तरह के गंभीर एलिगेंस? समझ में नहीं आता कि सारे राजनीतिक दल भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, जब आरोप लगते हैं और इस तरह के रकम भी सामने आ रहे हैं, दिक्कत कहाँ है? जांच होनी चाहिए, अगर कोई दोषी है तो कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीतिक दल इसमें राजनीतिक दुर्भावना की बात कहते हैं, ऐसे में तो फिर राजनीतिक दलों पे ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, उनके कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। कभी सत्तारूढ़ दल विपक्ष पे लगाता है, विपक्ष सत्तारूढ़ पे, तो फिर भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा कैसे? कार्रवाइयों का स्वागत होना चाहिए, जांच स्पष्ट होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, ये कह सकते हैं। आप जब इस पे लिखेंगे खबरें या इसके सराउंड में जो कंपोनेंट तैयार करेंगे, तो क्या लग रहा है कि आपको भी सावधानी, एक बतौर पत्रकार सावधानी रखने की जरूरत होगी? देखिए,
सिर्फ किसी व्यक्ति के गवाह से आरोप लगाना तो सही नहीं होगा अभी हमारे लिहाज से, है ना। इंतज़ार करना होगा जांच एजेंसियाँ किस तरह के सबूत पेश करती है। फिलहाल किसी एक व्यक्ति के गवाह के आधार पर ईडी ने जो समन पेश किया है वो बहुत शुरुआती स्टेज पे है, इसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और जिस समय पे ये हुआ है तो इसमें राजनीतिक दुर्भावना की लोग आरोप लगाएंगे जाहिर तौर पर और ये बातें आएंगी। एलिगेंस लगाना आम बात है कि अगर राजनीतिक तौर पर कोई षड्यंत्र है और सीएम को जो है डिफ्रेम करने की कोशिश की जा रही है तो एलिगेंस लगाना आराम जो बहुत आसान चीज़ है, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट रिकवर करवाना ईडी को और किसी एक व्यक्ति से ये कबूलाना कि कौन से बघेल हैं, क्या मुख्यमंत्री बघेल हैं, ये क्या लग रहा है बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा है यहाँ? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ हो, लेकिन चुनाव के समय पैसों का पकड़ाना कोई नई कार्रवाई नहीं है, ये हमेशा से होता रहा है। सवाल जैसे सीनियर्स ने बताया कि ये समय जो है इस कार्रवाई का वो इसको सवालों के घेरे में लाता है, तो कार्रवाई कोई नई नहीं है। और पैसे जैसा आपने कहा कि पैसे किसी ना किसी के तो होंगे, तो ईडी या दूसरी कोई संस्था जांच का एक पॉइंट ये भी होना चाहिए कि जो एक एलिगेशन इन्होंने लगाया कि भूपेश बघेल का पैसा है, उसके अलावा एक जांच पॉइंट ये भी होना चाहिए कि अगर उसका नहीं है तो किसका है, तो चारों तरफ से ये जांच होनी चाहिए। और लुभावने की जो बात है कि लोगों को लुभाना इस तरह से आरोप लगा के, इस समय पे इस तरह के आरोप काम नहीं करते हैं। जी हमने, क्योंकि आपने कोर पॉलिटिक्स की बात की है और बहुत छत्तीसगढ़ी एक्सेंट में आपने कहा है, का लगा थे कि अगर लोकल छत्तीसगढ़िया नेता हला डिफ्रेम कर देबो या वाला बदनाम कर देबो तो एक फायदा जो है वो मेन स्ट्रीम के दूसर पार्टी मल्ला मिल ही? नहीं, फायदा तो मिलती से मल रहा है, टाइम गलत चुन रही से लकर धकर में जो छत्तीसगढ़ी में किसी हड़बड़ी में कोई काम लग करना तो लकर धकर में मन जनभूता करी तेखर नुकसान हुई है मल्ला। और जनता भी बहुत समझदार है और इधर ही छत्तीसगढ़ के माहौल जब सबसे महत्वपूर्ण है, हर समय जनता अभी तक के चुनाव में जनता लेता है, जनता मल्ला आनी बानी घोषणा करके चुतिया बनात रही ने या बुलारत ली रही ने, लेकिन अब इधर ही जनता चुप है, इधर ही जनता बुला रही है नेता मल्ला, इसे लगत है। ये कहना कि साल 2008 के बाद से 2018 के बाद से 23 का जो चुनाव है वो करंट सर्कमस्टेंसेस काफ़ी बदल गए हैं, ये कहना कि अब जो है जनता बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई है, प्रोन हो गई है, ये बहुत ज़्यादा जस्टिफाई होता नहीं, क्योंकि जनता तो आखिरकार जनता है, उनको इसी तरह के विषय से तो भटकाया जाता है। जनता मैच्योर है और जनता नेताओं से अपने मुद्दों पर कुछ सुनना चाहती है, जिन मुद्दों पर नेता बोलने से बचते हैं। आज आम जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, लेकिन उस पर राहत देने की बात कोई नेता करता नहीं है और जांच एजेंसियों के माध्यम से मुद्दों को उछाला जाता है और उस पर अपनी टीआरपी बढ़ाई जाती है। यदि जांच एजेंसी सही एजेंडे पर काम करती है तो मेरे को लगता है कि लगभग एक साल पूर्व इसी जांच एजेंसी ने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार बुलाया, 9-9 घंटे पूछताछ हुई, कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी बुलाया गया, लेकिन दोनों मामलों में आज तक उनके हाथ में ऐसा कोई सबूत नहीं लगा जिसके आधार पर हिरासत में लिया जा सके। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जांच एजेंसी और उसको संचालित करने वाले मंत्री किसी की भी अरेस्टिंग में लाभ और हानि को तौलते हैं, उसके बाद या तो उसको बाहर छोड़ने में लाभ है तो बाहर छोड़ते हैं और अंदर कर देने में लाभ है तो अंदर कर देते हैं। आप जैसा कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जो सरकारी तंत्र है उनके काम करने के पैटर्न पे एलिगेंस लगा दिया, उनकी नियत पे सवाल खड़ा करें, क्या लगता है कि सच में जो ईडी है सीबीआई जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो इतनी लचर हो चुकी है? प्राथमिक दृष्टि में तो ये नज़र आ रहा है बिना जांच के इतना बड़ा एलिगेशन लगाना जिसका कोई प्रूफ नहीं है, एक किसी को पकड़ा इन्होंने जिसके पास पैसे पकड़ाए और ये कह दिया कि बस हमने उनको भी दिया था, तो ऐसा तो चुनाव के समय हम है नेताओं के बीच में ऐसे आरोप प्रत्यारोप तो होते हैं, लेकिन एक न्यायिक एजेंसी जांच एजेंसी सबसे बड़ी सरकार की, वो अगर सरकार के पक्ष में काम करे किसी भी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में काम करे तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। ये जो ईडी और सीबीआई और ऐसे दूसरे जांच एजेंसी के जो नियत पे सवाल उठते रहे हैं, हम जब पत्रकारिता करते हैं आप जब खबरें लिखते हैं तो क्या लगता है कि उनकी छवि को बचाए रखने की नैतिक जिम्मेदारी आप पे भी हो जाती है? ये जब एक कोफ्त तब होती है कि जब इतने बड़े बड़े नेताओं पर आरोप लगाने के लिए जो है एजेंसियां जो है जांच एजेंसियां काम करती हैं और पता चलता है कि उनके ही एक बड़े अधिकारी जो है 15 लाख रुपये घूस लेते हुए पकड़ा गया,
तो जब इस तरह के अधिकारी जब खुद जब पकड़ा रहे हैं तो उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठना लाजमी है, और ये स्पष्ट होता है कि ये पूरी जांच एजेंसियाँ किसी न किसी के इशारे पर काम कर रही हैं। इनकी साख बचाने के लिए पत्रकार, क्योंकि पब्लिक डोमेन पे उनको पब्लिक सेंटीमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है, ऐसी एजेंसियों की उपयोगिता बचाए रखने के लिए, उनकी साख बचाए रखने के लिए आप भी कलम जो है वो बहुत सावधानी से चलाते हैं, क्या लगता है उस पॉइंट में जो आप मेहनत करते हैं वो इस समय इस सर्कमस्टेंसेस में बढ़ जाएगा? नहीं, मैं तो खैर ऐसा नहीं करता हूँ। जो भी करते होंगे तो उनको मैं ये सलाह देता हूँ कि आप जनता के लिए मुद्दे उठाते हो तो जनता को आपको गुमराह नहीं करना है, जो चीज़ सच है वो दिखाना है अपने को सच। तो मेरा यही और भी पत्रकारों से अपील है कि जो भी है चीज़ वो सही लिखें, हमको बचाना उसको है जो वाकई में गलत है, मतलब जो अच्छा है वो गलत में उसको फंसाया जा रहा है, उसके बारे में अपन अगर बचाए उसको तो वो ठीक है, जो गलत है अधिकारी और उसको अगर बचाने की कोशिश करें तो ये गलत है। जी, मेरा मानना है कि कोई भी जांच एजेंसी हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, सबके रक्षा कवच और उनकी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने के लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 11 पढ़ लेना चाहिए। उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि ब्यूरोक्रेट्स को स्पेशल प्रोटेक्शन हासिल है, उन्हें किसी की चाकरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद उनने उस आर्टिकल को ही भुला दिया है तो हम पत्रकारों को सिर्फ आर्टिकल्स और संविधान की ही याद दिलाना चाहिए अधिकारियों की कि इस संविधान के तहत आपको ये प्रोटेक्शन हासिल है और आप निष्पक्ष होकर काम कर सकते हैं। जी, तो ये वो पत्रकार थे जो बिलासपुर के दूसरे सबसे बड़े शहर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के हैं और जिन्होंने अपनी लेखनी या रिपोर्टिंग के दौरान जो है नैतिकता थामे रखा है, साथ ही इन तरह के सर्कमस्टेंसेस को भी समझते हैं कि केवल आरोप लगा लेना केवल जो है वो सिद्ध नहीं होगा, और जब तक ये आरोप सिद्ध होते हैं तब तक जो डैमेज होगा कॉलेटिकल डैमेज दोनों पार्टी को तरफ से होगा, और साथ में सरकारी एजेंसियों की जो साख गिरेगी उन सब की जिम्मेदारी नैतिक तौर पे पत्रकारों के पास है, उसे बेहतर तरीके से समझते हैं और पब्लिक डोमेन पे जब वो पत्रकारों के साथ अपने विचार साझा करते हैं, इस घटना से जुड़े दुनिया तथ्यों को साझा करते हैं, तब वो अपने नैतिक कर्तव्यों का ध्यान रखते हैं और साथ ही ताकीद करते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी नैतिकता ताक पर रखी है और केवल राजनीति करने के लिए इस तरह की परिस्थितियां पैदा करते हैं। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक।